देखिए यहाँ पर तुलसी मैया जी के लिए अभी उद्यापन करना है तो मिश्रा जी ने माला भी बना के तैयार कर दी है। ये बहुत यहाँ पर मैंने नैवेद्य भी बना के तैयार कर दिया है। थोड़े से अभी मैं कर लेती हूँ मैया जी की पूजा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, राज्य खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मेरा चैनल भी देख ही रहे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के 8 बजे हैं और मैं अभी किचन में हूँ और यहाँ पर आज मैं तैयारी कर रही हूँ मैया के उद्यापन करने की। कल दिन भर व्रत था तो अभी मैया जी का उद्यापन करना है, इसलिए मैं किचन में ही हूँ। अभी प्रसादी बना रही हूँ, यहाँ पर प्रसादी बनाती हूँ, उसके बाद मैया जी के उद्यापन कर देती हूँ। और आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन भी है और आप लोग ही मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद देना, यही आशा करती हूँ आप लोगों से। मैं बना लेती हूँ प्रसादी और थोड़ा सा नैवेद्य, प्रसादी, पोहे जो भी बनाने हैं बना लेती हूँ और उसके बाद मैया जी का उद्यापन करूँगी। देखिए यहाँ पर तुलसी मैया जी के लिए अभी उद्यापन करना है तो मिश्रा जी ने माला भी बना के तैयार कर दी है। ये बहुत बड़ी माला बना दी है, बढ़िए। हाँ, माला बन गई। ठीक सुबह यहाँ पर मैंने नैवेद्य भी बना के तैयार कर दिया है। थोड़े से पोहे बनाए हैं और थोड़ी सी प्रसादी भुनी है। अभी 2-4 पूरी भी बना लूँगी और ये सब्जी भी काट के मिश्रा जी ने तैयार कर दी है। सब्जी रख रहे हैं आज, मिश्रा जी बना रहे हैं अपने हाथों से सब्जी। देखिए तुलसी मैया जी का उद्यापन भी कर दिया है मैंने। मैया जी को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है और सारी पूजा कर दी है मैंने। 11 बज चुके हैं और अभी मैंने खाना खा दिया है। खाना खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाज़ार में। ज़रा सा मेरा वहाँ पर अभी काम है इसलिए अभी बाज़ार का काम करके आती हूँ मैं, तब मिलती हूँ आपसे वहाँ से आने के बाद। ये देखिए अभी मैं दिन के 2 बजे हुए हैं और सावित्री लोगों के वहाँ आई हूँ और ये सावित्री स्वेटर बुन रही है यहाँ पर। और ये देखो आरुषि के हाथ में ये पर्स है ना, ये कैसा लग रहा है आपको? बाज़ार का जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है बताना आप। और ये आरुषि ने अपने हाथ से बना रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरे को। मैंने सोचा ये अपने ब्लॉग के माध्यम से सबको दिखा दूँ करके, क्योंकि बढ़िया लग रहा है ये, बिल्कुल बाज़ार का जैसा ही पर्स दिख रहा है बिल्कुल। ये कंधे में डाल तो कैसा लग रहा है? ये देखो बहुत प्यारा सा पर्स बना रखा है उसने अपने हाथ से। अब जितना भी टाइम लगा होगा, मेहनत तो लगी होगी, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए बटन भी बना रखा है उसने उसमें और चेन लगाई है। ये विश्वास ही नहीं हो रहा है हाथ से बना रखा करके ना, बाज़ार का ही जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा बना रखा है।
कब बनाया? कल परसों? कल कल ही बनाया। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? एक घंटा लगा। बढ़िया बना रखा। फिर और बनाते रहना, ये बहुत बढ़िया बना है। अभी अभी मैं देवाल से घर आ गई हूँ। घर आने के बाद चाय पी के अभी मैं आ गई हूँ अपने बाड़े में, और मुझे यहाँ का घास काटना है, फिर उसके बाद बाड़ा की खुदाई भी करनी है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर है, गडेरी लगा रखी थी मैंने, और कितनी बार झाड़ उखाड़ दिया मैंने इनका। अभी देखो कितना झाड़ हो गया है फिर से। ये एक बार इसको काट लेती हूँ मैं, फिर जाके करूँगी खुदाई। अभी मैंने घास काट के साफ कर दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको खोद लेती हूँ। यहाँ तक खोदना है मैंने, जहाँ तक वो लकड़ी रखी है, पॉलीथीन लगाया है ना, वहाँ तक खोदना है मुझे।